उत्तर प्रदेश में बिगड़ते कानूनी हालात को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश की मौजूदा सरकार जो सत्ता में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा करके आई थी, उसकी सरकार में भी कानून व्यवस्था के हाल बेहाल हैं। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। आगरा में एक छात्रा को पेट्रोल डालकर जलाए जाने की कोशिश की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि घटना बताती है कि हमारे प्रदेश में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। ऐसा दो ही वजह से हो सकता है, या तो असामाजिक तत्वों को सरकार का डर नहीं है या फिर उन्हें सरकार का संरक्षण मिला है। इससे पहले पार्टी विधानमंडल की बैठक को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि बुनियादी मुद्दों से भाजपा मुंह छुपाती है, किसानों और नौजवानों की समस्याओं पर कोई चर्चा नहीं होती, भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है, समाजवादी पार्टी को बदनाम करना बीजेपी का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि किसानों को बीजेपी ने तबाह कर दिया है, नौजवानों के सपनों को तोड़ दिया है और समाज में नफरत भी पैदा कर दी। कानून व्यवस्था चौपट है, प्रदेश में अराजकता का राज है, मुख्यमंत्री जी की ठोको भाषा से भी माहौल बिगड़ा है, सत्तारूढ़ दल के लोग पुलिस पर हमला कर रहे हैं। ऐसे वो तमाम मुद्दे हैं जो बताते हैं कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये तमाम मुद्दे पार्टी सदन में रखेगी और संघर्ष करेगी। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा, अखिलेश यादव ने और भी तमाम मुद्दों पर अपनी राय दी और साफ तौर पर कहा कि आने वाले वक्त में उनका संघर्ष जारी रहेगा और बीजेपी की कमियां वो जनता के सामने उजागर करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए।